सो ये जस्ट मंदिर के पास में जब लाके छोड़ दिया। ये है बाबा महाकाल का मंदिर। कैमरे को भी थोड़ा सिखा दो। हरे कृष्णा साथियों, तो आज की यात्रा हमारी होने वाली है उज्जैन महाकाल के लिए। तो इस यात्रा का पूरी तरीके से आनंद लेने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारे साथ जोर से बोलिए हर हर महादेव। भाई यात्रा की शुरुआत हो रही है, चलो हर हर महादेव। कौन बंद करेगा? आप सिद्धि हर 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 महादेव। सिद्धि हमारे पास सुंदर प्रेस हो, देखो। हाँ प्रेस कर दे रहा हूँ। आपके पास कितना बैग है? 6 बैग। मम्मी मेरा परफ्यूम भूल गई, लेके आ रही है ये वाला ना। हाँ ये देखिए हमारी कैब आ गई है। चलो भाई सामान रखते हैं, इसको पीछे डाल देंगे। हाँ हाँ जाओ, मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है। इसको पीछे डाल दे। क्या नंबर है इसका पिन का? हाँ 7817। हेलो गणपति बप्पा की जय। हम लोगों को 20 मिनट्स हो चुका है और लोग महाकाल के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में हमने बता दिया था, तो हमारी यात्रा ये 2-3 चरणों में होने वाली है। तो अभी कैब से हम रेलवे स्टेशन जाने, जो हमारे नियर का रेलवे स्टेशन है वो पुणे स्टेशन, तो वहाँ से करीब करीब 16 से 17 घंटे की जर्नी है उज्जैन महाकाल के लिए। सो हमारे साथ ये बने रहिए, आस्था का आनंद लेते रहिए और यूँ प्यार देते रहिए और जोर से बोलिए हमारे साथ हर हर महादेव। आपका पुणे स्टेशन पे स्वागत है। आपने मेट्रो नहीं देखा? अरे मैंने मिस कर दिया यार मेट्रो देखना। सिद्धि कभी से बता रही मेट्रो। एक्चुअली ना पुणे स्टेशन के लिए मेट्रोज भी आती है, कुछ कुछ स्टॉप से है पुणे स्टेशन तक मेट्रो आने के लिए। हाँ तो वो पुणे स्टेशन ही तो है, वहाँ उसका जंक्शन पुणे स्टेशन ही है। आरू हर चीज़ में मेरे क्वेश्चन निकाल दिए, कंफर्म ही नहीं रहता कभी भी। मेट्रो आती है देखो भाई। मजा आ गया, गुस्सा हो जाते हो और गुस्सा नहीं होता है ये आदमी औरत ऐसे क्वेश्चन ही पूछती है। खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछने रहे तो ये देखो स्टेशन। और अभी है ना पुणे गोरखपुर के लिए ट्रेन जाने वाली, इसलिए काफ़ी हमारे मजदूर भाई दिख रहे हैं यहाँ पर, पूरे भीड़ लगी हुई है। और हमारी ट्रेन अभी करीब करीब 1 घंटे बाद है, तो कोई ट्रेन आ रही है। ग्रीन वाली ट्रेन आ रही है सिद्धि, देखो एक ग्रीन इंजन के साथ में आ रही है। पुणे स्टेशन पहुँच के अभी यहाँ से उज्जैन के लिए हमारी ट्रेन है। हाँ भाई मेरी सिद्धि तो ट्रेन ट्रेन दिखा रही है आज को, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो जैसा मैं बता रहा कि हम लोग पुणे स्टेशन पहुँच गए और पुणे से अभी हम लोग उज्जैन जाएंगे। खैर ट्रेन का अगला स्टॉप इंदौर है, यहाँ से उज्जैन जाने के लिए करीब करीब 16 घंटा लगता है। तो देखते हैं अगर टाइम पे पहुँचा दीजिए 16 घंटा, नहीं तो हर हर महादेव का जाप करते रहेंगे। आज 25 तारीख है, कल है न्यू ईयर का दिन और हमारा ये ब्लॉग आप बहुत दिन के बाद देखने वाले हो, पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद ही आप देख पाओगे। तब तक आप झंडा बंधन यूँ करते रहिए, भारत को याद करते रहिए। पिछला ब्लॉग देखो यार, कहाँ कहाँ घूमे, नासिक गए, पंडरपुर गए हैं, अयोध्या गए हैं, बनारस गए हैं, मुंबई गए, पुणे गए और पता नहीं याद ही नहीं कितने जगह घूमे हमने। पुराने ब्लॉग सब देख लीजिए आप तब तक। स्वच्छता की बात करते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। ट्रेन फिलहाल बीच वाले पटरी से गुजरती हुई पार करती, पटरी को पार करती हुई पटरी की चीरती हुई। सिद्धि सिद्धि और मारा डर गई, उधर कड़ी थी डर आ गई। डर लग रहा है आपको? देखिए हमारी
हमारी ट्रेन आ गई है और सब लोग तैयार हो गए हैं पकड़ने के लिए। हमारा कोच यहीं पर ही है, 22943 ट्रेन नंबर। रेडी रेडी, चलो चलो चलो, आ गई ट्रेन, आ गई भाई। ये देखिए, बाय बाय पुणे, फिर आते हैं हम लोग। टैक्सी मिली है ना, ऐसे मुझे लग रहा है ना स्पेशल बोगी, लेडीज़ बोगी मिली है, तो गर्ल्स ही गर्ल्स हैं इस तरफ से। देखो अगल बगल मेरे सब, नारी शक्ति, सबसे ज़्यादा वही डर लग रहा है। अभी हमारी ट्रेन पहुँची है लोनावाला, मतलब जो ट्रेन का रूट है एक्चुअली वो है आपका पूना, चलती है दौड़ से पूना, पूना से लोनावाला, लोनावाला से आगे कल्याण, कल्याण से डैन सूरत, सूरत से वडोदरा, वडोदरा से होते हुए फिर आपका पहुंच जाएगा उज्जैन, एंड डैन आपका निकलेगा इंदौर, इज द लास्ट स्टेशन है। अभी हमें लोनावाला में देखो कितनी भीड़ है, पीछे अच्छा भीड़ है। और हमारी जो कोच मिली है स्लीपर, क्योंकि हमने निकाला था टिकट बहुत पहले निकाला था, लेकिन हमें RSC मिला था, कंफर्म होकर हमें मिला है ये वाला कोच। देखो इसमें भी काफ़ी भीड़ है, पूरा का पूरा रस है एकदम, बहुत ही रस है। और बहुत सालों बाद हम लोग है ना स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है अभी तक तो। और आगे जानकारी देते रहेंगे हम लोग कुछ कुछ में, नहीं मालूम नहीं है, नहीं दादर में नहीं, कल्याण कल्याण तक जाती है कल्याण। ये हम लोग टनल से बाहर निकले और ये पहाड़ का ब्यूटी गजब, कितना मस्त लग रहा है यहाँ से यार। दो कैसे दिख रही है, ट्रेन में बैठी है ऐसे दिख रही है वो तेरी भी, हमें इधर कहीं नहीं प्लेट वाला दिख रही, पूरी ट्रेन दिख रही एकदम। आरू के हाथ में मोबाइल नहीं है, बाकी सबके हाथ में मोबाइल है। देखो पावर ऑफ मैजिक, मैजिक ऑफ मोबाइल। मेरा दोस्त मिला हुआ है, क्या नाम है आपका? एयांस। रेयांस, आयांस, आयांस, कैसे हो? इससे बैठ।
अभी हम लोग भिवंडी रोड पहुँचे हैं। यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो गई, ट्रेन पूरी फुल हो गई, देख रहे हो। और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। आलू के पिटारे से निकला है, आलू की आलू मटर की सब्जी और पूरी। और आरू वहाँ बैठे, सिद्धि वहाँ बैठे खा रही है। अरे सिद्धि, अरे इसको देखो छोटू को, अयांश, हाँ इसको भी थोड़ा दे दो भाई। हाँ बस बस बस, जबरदस्त चपक के भीड़ हो गई है एकदम। भैया भी यहाँ खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं। सुबह सुबह 6:30 बजे ट्रेन हमें छोड़ देगी उज्जैन। अभी बज रहे हैं करीब करीब 7:30। हम लोग खाना खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे। बहुत भीड़ दारू भीड़ देखी, परेशान हो गई एकदम। आज समय चलो एसी में स्लीपर का मजा लेना था एक बार। हाँ तो हम लोग पहुँच चुके हैं सूरत। ये सूरत का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर स्टेशन का प्लेटफॉर्म का। और अभी अभी बज रहे हैं 11 और यहाँ से करीब करीब अभी हमें और कितना 6 घंटे लगेंगे उज्जैन पहुँचने में। तो हम लोगों ने 480 किलोमीटर की यात्रा कर ली है और करीब करीब अभी यहाँ से 400 किलोमीटर की यात्रा भी और बाकी है। तो आगे की यात्रा के लिए हम फिर से मिलेंगे आपको सुबह। और हमें बहुत नींद आ रही है, इससे पहले बहुत भीड़ थी ट्रेन में, इतनी भीड़ थी कि सब खचाखच इधर उधर भरा था, कैमरे में उठाने का मन नहीं कर रहा था। क्या बार बार आपको बताऊँगा सब तकलीफ दुख दर्द लोगों का, आपको पता ही है। स्लीपर में हमारी यात्रा हो रही है। खैर मिलता हूँ मैं सुबह आपको, अभी थोड़ा सा पावर नैप लेता हूँ। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे हरे कृष्ण। बहुत जबर की ठंड हो रही है, सिद्धि की हाल देखो। पहुँच चुके हैं हम लोग उज्जैन स्टेशन। आ गया रे भाई, 20 मिनट पहले छोड़ दिया इसने तो, बिफोर आ गया 20 मिनट। चलो 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 चलो, जस्ट ठंड है, पुणे में तो कोई ठंड नहीं थी। सुबह के 6:15 हुए, ठंड आ रहा है मेरे, अब मेरे मुंह से केवल ठंडी ठंडी निकल रहा है। दारू कितनी सारी चिड़िया यहाँ पर, तो बहुत सारा पैरट। पैरट से पैरट है ना, तो ऑटो वालों ने हमें यहाँ तक छोड़ा है। तो ये जस्ट मंदिर के पास में जब लाके छोड़ दिया। ये है बाबा महाकाल का मंदिर, बोलिए हमारे साथ हर महादेव। वेरी ट्रेडिंग, वेरी ट्रेडिंग ये है यहाँ पर। जय श्री महाकाल। हम जिस तरफ से आ रहे सब बड़े गणेश का मंदिर, हर सिद्धि माता का मार्ग सब दिखा रहा है। कहीं है सर आपको दी? इतनी ठंड लग गई हमें कि यहाँ पर एक दुकान के पास अलाव चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा देर सुस्ताने लगी। पर कितने सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और हम लोग जो होटल जो चूज़ किए हैं वो एकदम मंदिर के पास में है, 500 मीटर ये वहाँ का रास्ता है। तो अभी तक हम बैग वैग लेके यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि बोल रहे ऑटो ऑटो नहीं चलती अंदर, तो पहुँच गए खैर यहाँ तक बस। और यहाँ से 100 मीटर और आगे जाएंगे तो हमारा रूम आ जाएगा। कैमरे को भी थोड़ा सिखा दो। उसको ठंडा पसंद भी है। और आज 26 जनवरी भी है, वो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो भाई हम लोग अपने रूम पहुंच गए, चलो बैग लेके। धूप आएगा ना सुबह इधर दादा? हाँ धूप आएगी ना, स्नान तो करोगे? हाँ हाँ स्नान करके दर्शन। गर्म पानी आ रहा होगा ना? बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है यहाँ से तो, एकदम मस्त नया नया बना है ना। नया गर्म लग रहा है लेकिन अंदर अंदर अच्छा है, गर्म है। इधर से धूप आता है ना बंद रहता है। हाँ भाई अच्छा है, गर्म है भाई, ठंडा रूम नहीं चाहिए अभी। जैसा हमारे यहाँ टेबल भी दिया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लालू का चालू सफाई का इंस्पेक्शन, अभी चलो शिवाय असली शिवाय को देखेंगे हम लोग वहाँ पे बाबा जी। फटाफट चलो थोड़ा वो रेडी वेडी होते हैं। आप जाके टोपी निकाला, मैंने इतनी ठंडी लग रही थी बिना, मतलब क्या बताऊँ,
टोपी और स्वेटर ये तो काम बने ना, बाल देखो ये चिपक चिपक से गए। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आशा करते हैं कि आगे का भी दर्शन अच्छा रहे। हमारे साथ जोर से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।